नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ भाजपा नेता गौरव पारधी जी। गौरव पारधी जी के बारे में मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा आपको वो बहुत कम होंगी, क्योंकि गौरव पारधी जी अपने आप में एक बहुत बड़े विजनरी नेता है। तो खैर, ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये नॉन पॉलिटिकल रहेगा, क्योंकि इसमें हम चीज़ें नहीं पूछेंगे। हम चाहेंगे कि जो युवा हैं इनसे प्रेरणा लें। तो सबसे पहले गौरव जी, आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल पे। जी जी, मैं पहली बार गौरव जी से मिल रहा हूँ और मुझे काफ़ी प्रभावित किया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितने यूथ होंगे जो आपसे प्रभावित होते होंगे। तो एक होता है कि गौरव जी, हम बस शुरुआत यहाँ से करते हैं, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बारे में आपको भी पता है कि आप जैसे UPSC की तैयारी करके आए हैं दिल्ली से, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने की है, एजुकेशन आपने बड़ी अच्छी एजुकेशन ली हुई है। लेकिन एक होता है ना कि पॉलिटिक्स में जाना, पॉलिटिक्स के बारे में सोचना, तो ये बहुत अलग चीज़ हो गई। तो इसमें कैसे आना हुआ? फिर एक होता है ना कि यूथ भी जब उसको बोलेंगे अरे जाओ नेता बन जाओ, तो यूथ एक तरह से उसको हीन भावना की तरह से, घृणित तरीके से देखता है। मतलब हर कोई पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहता। आप इतना अच्छा वक्ता होने के बावजूद, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स में कैसे आना? ये पॉलिटिक्स तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि चांस की बात है कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूँगा, लेकिन मेरा एक बचपन से हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपको इस जीवन को सार्थक करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो या तो फौज में जाइए या फिर अधिकारी बनिए। अच्छा। और नहीं तो फिर राजनीति में आके कुछ करिए। चूंकि मेरे पहले दो खत्म हो चुके थे, तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन को सार्थक करने के लिए और जो एक सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए यही एक रास्ता बचा है। लेकिन आप UPSC में भी दो अटेम्प्ट, मतलब आप भले वो हो गए, लेकिन आपने कैसे, आपकी तैयारी हुई, कहाँ तक आप पहुँचे, तो वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं 2002 में दिल्ली चला गया था, वहीं पर मैंने तैयारी की, UPSC की कोचिंग ली, सिविल सर्विसेज की। 2002 में पहला अटैम्प्ट, 3 में दूसरा, यानी 3 में पहला, 4 में दूसरा, 5 में तीसरा, प्रीलिम्स तीनों बार निकला। फिर उसके बाद जो पांचवा अटेम्प्ट था उस समय आगे बढ़े हम। फिर मैंने, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 5 में, तो मैंने 2 साल का ब्रेक ले लिया, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा था। तो 2008 का जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स थी वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट रहा, उस समय फिर से मैंने दिया, फिर से प्री निकाला, आगे बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। बाय चांस की बात है कि उस लास्ट अटेम्प्ट में मैंने कैट की भी एग्ज़ाम दे दिया था। कैट की एग्ज़ाम तो इसलिए दिया था कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस रहेगी, UPSC के इंटरव्यू में हेल्पफुल होगा। कभी सोचा नहीं था कि UPSC में सिलेक्शन नहीं होगा, कभी ऐसा मन में था ही नहीं कि हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। खैर नहीं हो पाए, तो लास्ट अटेम्प्ट में कैट दे दिया। भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता खोलते हुए अच्छा परसेंटाइल दे दिया, क्योंकि जबकि मैंने कैट की कभी कोई तैयारी नहीं की थी। फिर मैं MBA करने मुंबई का चला गया, वहाँ से KJ Somaiya से फाइनेंस में मैंने MBA किया। उस दौरान जब प्लेसमेंट हुआ मेरा, तो पहले जो हुआ था वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुआ था, लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कुछ सोशल करना है, कुछ लोगों के बीच जाके काम करना है। चलो, उन चीज़ों में मन नहीं लगा आपका? नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियरिंग में, मेरी कंप्यूटर साइंस में थी, लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कुछ लोगों के बीच में जाके ही करना है। तो मैंने फिर मांग के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैंने ज्वाइन की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऐसा है कि आप लोगों के बीच जाके सड़कें बना रहे हो, बिजली पहुँचा रहे हो, जो काम मैंने किया अभी बाद में, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट का भी टच रहता था। तो इसलिए मैंने मांग के एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज्वाइन की, हैदराबाद में राम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज्वाइन की। किस्मत से उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट बालाघाट में था, तो मैंने मांगा कि मैंने भाई मुझे बालाघाट में भी जाके काम करने का मौका दी थी, उनने मुझे सहयोग करते हुए बालाघाट भेज दिया। बालाघाट में आके मैंने काम किया, और मैं समझता हूँ कि उस समय जो फीडर विभक्तिकरण योजना चल रही थी, उस योजना में हमने जो बिजली का काम किया, वहीं से मेरी पहचान बनी। आज भी लोग मुझे, मैं समझता हूँ कि उसी काम के लिए जानते हैं, पहचानते हैं और याद करते हैं। कहीं बिजली का कोई भी विषय आएगा तो सबसे पहले मुझसे बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने उस समय बहुत अच्छा काम किया, कई काम जो शायद इच्छा शक्ति से नहीं हो पाते हैं या सोच में नहीं आ पाते हैं, चूँकि हम यहाँ लोगों से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो हम उन कामों को भी कर गए जो कि शायद आमतौर पर नहीं होते हैं। तो उस वजह से भी लोगों के बीच एक अच्छी पहचान बनी, हमने लोगों का काम किया, तो लोगों ने हमको धन्यवाद स्वरूप अभी भी देते रहते हैं, अभी भी धन्यवाद देते हैं। मैं समझता हूँ कि वो मेरी शुरुआत थी सार्वजनिक जीवन की। बालाघाट में आके
जो पुरानी चीज़ें थी जो विलुप्त होती जा रही थी, हमारे यहाँ ड्रामा होता है, डंडियार होता है कल्चरल में, एक बैल जोड़ी पट होती है, बिल्कुल, तो इस पुरानी संस्कृति को भी जीवित रखने का मैंने प्रयास शुरू किया। और सबसे पहले मैं इन सार्वजनिक कार्यक्रमों में जुड़ा, धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ा। भागवत कथाएँ होती थी, शुरू में होती थी तो बहुत सहयोग नहीं मिलता था, तो हमने उसमें भी सहयोग करना शुरू किया, उनसे जुड़े। तो कुल मिला के एक इच्छा शक्ति ये रही शुरू में कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे धार्मिक चीज़ें हैं, वो जीवित रहनी चाहिए, वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे युवा जो है, यानी हमें तो मालूम ही है बचपन से यहाँ का युवा बड़ा जागरूक है। आपको सुन के आश्चर्य होगा लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट की लिटरेसी जो है वो चार बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के बाद हाईएस्ट लिटरेसी बालाघाट की है। तो ये लिटरेसी सिर्फ ऐसा नहीं कि आंकड़ों में है, यहाँ का युवा उतना ही जागरूक है, उतना ही कर्मठ है और उतनी ही उसकी इच्छा शक्ति है। तो मैंने देखा कि उनको भी सहयोग किया जाए, तो हमने शुरू में सबसे पहले यहाँ के कुछ आईटीआई कॉलेजेस में जुड़ के वहाँ पे प्लेसमेंट, जो बाहर में हमारे मित्र लोग थे उनकी कंपनी को लाके लोगों को प्लेसमेंट दिलवाना चालू किया कि भाई हमारा युवा जो है सिर्फ पढ़ाई ना करे, नौकरी भी करे, बाहर जाए, दुनिया देख के आए कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर से बाहर निकले। तो इस तरीके से हम लगातार जुड़ते चले गए, युवाओं के बीच जुड़ते गए। कार्यक्रमों में हमने, हमारा ये भी रहा कि यार यहाँ के बच्चे खेलते तो रहते हैं पर हम चाह रहे थे कि खेल के माध्यम से और आगे बढ़े हैं। तो हमने खेल में जुड़ के लोगों को सहयोग चालू किया, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स गांव-गांव में चालू किए हमने। और मैं समझता हूँ कि जितने हमने चालू किए गांव-गांव में उतना बहुत कम लोग चालू कर पाए, सहयोग कर पाए। तो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, मतलब युवाओं के बीच में आपने अच्छी पैठ पैठ नहीं बनाई, हमारा उद्देश्य पैठ बनाना नहीं था, हमारा उद्देश्य उनको सहयोग करके उनके अंदर की प्रतिभा को उजागर करना है। बिल्कुल, मतलब वो नेतागिरी वाला मैटर नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। तब तक तो मैं पॉलिटिक्स में आया भी नहीं था जब मैंने ये सब काम शुरू किए, मैं राजनीतिक तौर पे सक्रिय भी नहीं था, सार्वजनिक और सामाजिक तौर पे ही सक्रिय रहा। पॉलिटिक्स की बात आती है तो जैसे कि हमारी बात भी हुई यहाँ आसपास में गांव से, गांव में भी, तो आपका जो परिवार है, जैसे आपके दादाजी या नाना जी, ये सब जो परिवार है आपका, ये कांग्रेसी रहा, आप भाजपा में, तो मतलब इसका समझ में नहीं आया कि परिवार कांग्रेसी, एक अकेला बच्चा भाजपा में, परिवार ने कुछ नहीं बोला आपसे? देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। कांग्रेस पार्टी जो उस समय थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी, वो नहीं रही। और आज की तारीख में मतलब आज से मतलब नहीं है, लगभग 20 सालों से, 25-30 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, अगर देश के लिए राष्ट्र हित में इकलौती कोई पार्टी एक ही सिद्धांत पे चलती है कि हमें राष्ट्र का हित चाहिए, यहाँ पे जुड़ने वाले हर जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन सबके मन में एक ही भावना है, एक ही ध्येय है कि भारत देश जो है वो विश्व में आगे बढ़ना चाहिए, हमें विश्व गुरु के रूप में सामने आना है। तो ये सोच जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। तो मेरे लिए तो कोई विकल्प ही नहीं था। पढ़ाई के दौरान भी मैं अपना समझ लीजिए कि बाल स्वयं सेवक रहा, तो मैं तो बहुत क्लियर था कि हमें अगर इस देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारी भावना कुछ करने की है, राजनीति करने की नहीं है, तो फिर तो हमारे लिए एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, बहुत अच्छा है कि आप यूथ के एक आइकॉन बन रहे हैं। एक और भी चीज़, जैसे हम आए, अंदर एंटर हुए, एक तो पुराना घर आपका 200, लगभग 200 साल पुराना होगा। दूसरा, जैसे ही हम आए, कि दर्शकों को मैं दिखाऊंगा जरूर, खैर अंधेरा हो चुका है, जितना लाइट से अगर हो पाएगा तो संभव होगा, ज़रूर दिखाएंगे इनका घर। यहाँ पर बहुत सारी गायें बंधी हुई हैं, मतलब पूरा गौशाला आपने बनाया हुआ है, तो क्या आप खुद भी सेवा करते हैं या क्या चीज़, मतलब इतनी सारी गाय, शौक है आपको ये? देखिए, गाय तो भगवान की असीम कृपा से, ये हमको कुछ तो हमारे को पारिवारिक रूप में मिला, लेकिन हमने उसको जीवित रखा है। मैंने एक छोटी सी गौशाला और बनाई है जहाँ पे हमारी गिर की भी गायें हैं, एक हमारा आगे बगीचा है वहाँ पे। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि देखिए, हमारी जो खेती है, फार्मिंग है, इसको इंटीग्रेटिव ऑर्गेनिक वे, सस्टेनेबल वे में हमें आगे बढ़ाना है। गाय को सिर्फ आप एक दूध का जरिया नहीं है, गौ हमारी माता है, हमारे को सब कुछ देने वाली है। और मैं समझता हूँ कि एक किसान के रूप में अगर मैं अपने आप को देखूँ, या फिर जो भी किसान देखता है, तो गाय पूर्ण रूप से उसकी सहयोगी होती है। चाहे आप कह लें कि हमारी खेती में हो सकता है कि आज ट्रैक्टर का रोल ज़्यादा हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं आज भी जो बैल के माध्यम से ही कराए जाते हैं। तो
गाय की हर किस्म को, हर नस्ल को संभाल के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारी जो गिर की नस्ल है हमने उसको अलग रखा है, ये जो हमारी देसी यहाँ की जो है इस क्षेत्र की, बालाघाट क्षेत्र की, विदर्भ क्षेत्र की गाय है, इसको अलग रखें। क्योंकि हमें देखिए डाइवर्सिटी बना के रखनी है, आप यानी इसको समझिए कि डाइवर्सिटी बैंक होना चाहिए। कि मान लीजिए अब जैसे लिम्पी वायरस आया, लिम्पी वायरस हमारे अभी कुछ हमारी गाय बछड़ियाँ जो संक्रमित हुई और बगीचे की भी हमारी हुई, तो हमारी गिर की जो बछिया थी वो बेचारी चली गई लिम्पी वायरस से, और जो मेरी देसी थी वो सर्वाइव कर गई। तो कहीं ना कहीं इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ये डाइवर्स बैंक बना के रखना है। और गौ माता का मुझे आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त है, सेवा हम भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को दिख भी रहा है। अच्छा, एक कितनी गाय होंगी इस घर में? जो देसी नस्ल की गाय का जो पूरा हमारा गोहन बोलते हैं हम लोग, जो कि चरने जाता है, तो लगभग 40 हैं। ओके। और जो बगीचा है वहाँ पे 10 अलग हैं, तो ऐसे 50 हैं, और बाकी बफेलोज भी हैं, भैंस भी है, वो सब अलग हैं। चलो, बहुत बढ़िया। जब हम अंदर आ रहे थे तो गौरव जी को नहीं पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमारी बात नहीं हुई थी। तो देखा आप नंगे पैर, मतलब अच्छा खासा एक बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान, नंगे पैर ऐसी मिट्टी में चल रहे हैं, तो मतलब ये यूथ को देखना चाहिए इस चीज़ को। देखिए क्या है, ये तो हमारा सौभाग्य है, आप जिस फर्श पे हैं इसमें ये गाय के गोबर से लिपा हुआ है, बिल्कुल इसकी अपनी एक क्वालिटीज़ हैं। इस गाय के गोबर में हम थोड़ी हल्दी भी मिलवाते हैं और फिर इसकी हम लिपाई कराते हैं, तो ये इम्यूनिटी भी हमारी इम्प्रूव करती है। और जैसा कि नंगे पांव आप चलते हैं तो आपकी अर्थिंग भी आपकी बनी रहती है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ रहने का मौका मिल रहा है, तो मैं आराम से नंगे पैर चल रहा हूँ। और मैं तो ऐसे कई बार कार्यक्रमों में जाता हूँ तो नंगे पांव चलता है, भगवान ने जो दिया है उस पर तो पैदल चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो खैर, हम गौशाला जरूर दिखाएंगे और दिखाएंगे गौरव जी किस तरीके से सेवा करते हैं वो, क्योंकि हमने कवर किया थोड़ा सा। और गौरव जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, यूथ जैसे नफरत करता है राजनीति से, आज यूथ के बीच में जाएं हम कहें कि तुम भी आओ राजनीति में और देखो सुधारने की कोशिश करो, तो वो नेता को भी एक अलग नज़र से देखता है। तो जब लेकिन आपको देखने का, आपको देखेगा, बात करेगा, तो उसका नज़रिया बदल जाएगा। तो ऐसे में यूथ को क्या करना चाहिए, या आप क्या उसको मैसेज देना चाहेंगे जो राजनीति से इस तरह से नफरत ना करे, खुद भी राजनीति में आए और सुधारने की कोशिश करे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही मानना है कि हम जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे हम उसके बारे में जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप आइए, आपकी ज़रूरत है। और जब से हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट लोगों को ला रहे हैं। अगर आप देखें अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है श्री एस जयशंकर, IFS हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, हरदीप पुरी जी हैं, IAS अधिकारी रहे, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि भारत में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं स्पेशलिस्ट लोगों की को जगह दी जा रही है कि वो भारत को सही दिशा, सही नेतृत्व दे सकें। और मैं समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम छोड़ के भाग नहीं सकते इससे, क्योंकि अल्टीमेटली देश के लिए जो दिशा निर्देशन जो है वो देश की पार्लियामेंट, प्रदेश की असेंबली ही निर्धारित करती है। बिल्कुल। अगर वहाँ हमने सही दिशा निर्देशन में सही लोग नहीं पहुँचा सके तो फिर तो दिशा कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा कि जो खैर नॉन पॉलिटिकल चल रहा है इंटरव्यू, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल हम पूछ लेते हैं आपसे अगर आपकी इजाज़त। पॉलिटिकल ये है कि आप जाहिर सी बात कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ेंगे, हम ये नहीं पता कि कहाँ से लड़ने वाले हैं या क्या चीज़ होने वाली है, आपका विज़न क्या है आगे, मतलब पॉलिटिक्स को लेके, और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये चीज़ अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है इसके लिए। देखिए, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँगा, चाहे वो कटंगी विधानसभा दे, चाहे वो वारासनी विधानसभा दे, या कहीं से भी देगी, मैं वहीं से चुनाव लड़ूँगा। और कुल मिला के देखिए, मेरे लिए तो पॉलिटिक्स में आने का कारण ही है कि मैं सेवा करूँ और इस क्षेत्र को आने वाले 50 नहीं, मुझे 500 साल के लिए तैयार करना है। क्या बात है, मैं लंबा विजन है। हाँ, मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और उसी सोच के कारण मैं राजनीति में हूँ, वरना मेरा राजनीति में जुड़ने का कोई और कारण नहीं है। मुझे इस क्षेत्र को तैयार करना है ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं
वो धन्यवाद दे सकें, जैसे हम हमेशा मोदी जी को धन्यवाद देते रहते हैं कि इतने बड़े एक देश को वो दिशा दे रहे हैं। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का ही विजन है जिसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप उनकी भी पूरी केस स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो देश को तुरंत के लिए नहीं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसी दिशा में मैं एक सार्थक सहयोगी बन के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और मैं इस क्षेत्र को उसी दिशा में लेके जाना चाह रहा हूँ कि ये क्षेत्र जो हो कभी बर्बाद ना हो, ये सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ता जाए। हमारे पास जो संसाधन हैं उनके उपयोग से बालाघाट जिला जो है या हमारी विधानसभा जो हैं वो पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर सकें, यहाँ के युवा को कहीं भाग के ना जाना पड़े, उसको यहीं पे सारी के अवसर मिले, सारी चीज़ों के अवसर मिले। और वो कहते हैं ना कि वो एक पूरा योजना लाए थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, वो हमेशा वो बात रखते थे। तो वही चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रहे, लेकिन सस्टेनेबल वे में हो, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़े, उसको लगे कि हाँ तैयारी हुई। ऐसा नहीं है कि हमने सब खा के ख़त्म कर लिया, भविष्य के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। देखिए ऐसे भी नेता होते हैं जो विजनरी नेता जिनको बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा गौरव जी आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी चुनावी यात्रा हमारी शुरू हुई है, बालाघाट से हमने शुरू की है, और जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे फिर, और जो आपका जो क्षेत्र है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबर 24 एक्सप्रेस को टाइम दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर 24 एक्सप्रेस को बहुत बहुत आभार करता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे ही आप लोगों के बीच जाते जाएं, और एक आपको मुझे मिलके जैसा भी लगा हो, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। नहीं, तो मैं तो बहुत अच्छा इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा खबर 24 चैनल के सभी लोगों को कि आपने इतने अच्छे अच्छे रेस्पॉन्डेंट रखे हैं जो लोगों के बीच जाके चीज़ों को समझ के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।